चलो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पावर सप्लाई सेक्शन को ट्रबल शूटिंग करें, या उसका जो है कि सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई कि किस तरह से फॉल्ट है। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है जिस पे हम लोग अपना मेन वायर लगाते हैं। ठीक है, एक कनेक्टर पे हमारा मेन वायर लगता है, तो ये कनेक्टर पे सबसे पहले आप चेक करो 250 वोल्ट आप चेक करो। ठीक है, 250 वोल्ट चेक करने के बाद ये 250 वोल्टेज एसी रहेंगे। ठीक है, डीसी नहीं, एसी। और उसके बाद ये 250 वोल्ट हम लोग सीधा एक फ्यूज से जरिए से पास करते हैं एक लाइन फिल्टर पे। लाइन फिल्टर के बाद हम लोग 4 डायोड यूज करते हैं, तो इसको भी ये डायोड इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो एसी साइकिल है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद जो भी डीसी वोल्टेज मिलता है उसको हम फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर फिल्टर के लिए यूज किया गया है, और ये सबसे बड़ा कैपेसिटर आपको दिखेगा पूरे सर्किट में। सर्किट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ, सबसे बड़ा कैपेसिटर आपको यही दिखेगा। ये देखिए, ये सबसे, देखो ये सबसे बड़ा कैपेसिटर यही पूरे सर्किट में। ठीक है, और वो 4 डायोड देखो इस तरह से इधर है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 4 डायोड को जो लगाया है फिल्टर के लिए, और जो भी छोटे मोटे साइकिलें होती है उसको फिल्टर करने के लिए छोटे मोटे पीएफ के फॉर्म में कैपेसिटर लगाए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एनटीसी लगाया होता है, ये हमारा एनटीसी है। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये हमारा लाइन फिल्टर है। फिर मैं सर्किट को पढ़ता हूँ पीछे लाइन में, तो उसके बाद ठीक, उसके बाद ये वोल्टेज जो होते हैं, जो ये वोल्टेज यहाँ बना, अब ये जो वोल्टेज हमारा यहाँ पर आपको फिल्टर पे 300 वोल्ट मिलेंगे। अगर रेक्टिफाई करने के बाद, फिल्टर करने के बाद आपको यहाँ पर 300 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसका प्लस साइड है और इसका ये माइनस साइड है। इसके बाद आपको ये 300 वोल्टेज जाते हैं एक सीधा, देखो ट्रैक के जरिए यहाँ से ये जाते हैं हमारे सीधा ही ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पे। ठीक है, ये देखो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पे प्राइमरी साइड। ठीक है, वाइंडिंग का जो सेकंड टर्मिनल होता है वो यहाँ पर है, इसी वाइंडिंग का सेकंड टर्मिनल यहाँ पर है, वो सेकंड टर्मिनल से 300 वोल्टेज निकल के हमारे ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमेशा 300 वोल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, और आपको जब भी आप टेस्टिंग करेंगे पावर सप्लाई का, तो पावर सप्लाई का ग्राउंडिंग आपको यूज करना है, ये पावर सप्लाई के ग्राउंड का यूज करना है। आप हॉरिजॉन्टल का और इधर का आपको ग्राउंड यूज नहीं करना, ये ग्राउंड आपको यूज नहीं करना। ठीक है, ये ग्राउंड आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, और वर्टिकल का भी ऐसे चेक करना है, तो वर्टिकल का ही ग्राउंड आप यूज कर रहे हैं। देखो ये वर्टिकल की आईसी है, तो वर्टिकल का है यहाँ पर ग्राउंड है। ठीक है, तो आपको वर्टिकल का ही ग्राउंड यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद ये आपको और सब पावर सप्लाई का ही ग्राउंड आपको यूज करना है, बाकी दूसरा ग्राउंड से आपको वोल्टेज सही नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये 300 वोल्टेज यहाँ पर आएंगे। अब इस ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक इसके बेस पे एक पल्स दिया जाता है, जो स्विचिंग पल्स बोलते हैं, वो स्विचिंग पल्स देने का काम करता है। यहाँ पर छोटा सा ट्रांजिस्टर आता है, ये ट्रांजिस्टर किस तरह से ऑपरेट होता है, जिस तरह से इसको सेकेंड प्राइमरी सेकेंडरी साइड से जिस तरह से इसको हम लोग सिग्नल मिलते हैं कॉन्स्टेंट, यहाँ से एक फीडबैक आता है और वो फीडबैक सीधा ही जाता है हमारे ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर, और इसी हिसाब से ये स्विच कराता है अपने कलेक्टर से पास करके इस ट्रांजिस्टर को। ठीक है, तो इस तरह से स्विचिंग पीरियड चलता है। अभी आपको बताता हूँ फॉल्ट, अगर फॉल्ट आपका समझ लो नहीं, पावर नहीं, आपके टीवी का पावर नहीं आ चल रहा है। ठीक है, अगर वो पावर सप्लाई का फॉल्ट है, तो पावर सप्लाई के फिल्टर के ऊपर कैपेसिटर के ऊपर जो है उसके ऊपर आपको करंट जमा का मिलेगा, करंट जमा हुआ मिलेगा, मतलब करंट रहेगा। ठीक है, इसके अंदर करंट जो होता है स्टोर होकर रहेगा, अगर पावर सप्लाई का फॉल्ट होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस कंडीशन में, अगर यहाँ पर करंट, आपने टीवी को ऑन किया, आपका टीवी का एलईडी नहीं जला, और आपने चेक किया कि यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर क्योंकि करंट जमा है, ठीक है, तो एक 0 वाट का बल्ब लेके पहले सबसे पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज कीजिए। ठीक है, डिस्चार्ज करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर मल्टी अभी और इसको इस तरह से शॉर्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाना चाहिए, एक भी वोल्टेज रहना चाहिए, नहीं तो आपको मल्टीमीटर को ख़राब कर देगा। उसके बाद आप कंटिन्यूटी के रेंज में रख के इसको चेक करिए इसके ऊपर शॉर्टिंग है। अगर शॉर्टिंग है, तो शॉर्टिंग होने के कंडीशन में सबसे पहले आप ये ट्रांजिस्टर को ओपन कर दीजिए, बाहर निकाल के रख दीजिए। अगर ये ट्रांजिस्टर बाहर निकालने के बाद आपको शॉर्टिंग चली जाती है, तो मतलब ये ट्रांजिस्टर आपका ख़राब है।
ठीक है। अब ये खराब होने के दो रीजन होंगे, या तो ज़्यादा पावर के वजह से फ्लक्चुएशन की वजह से ख़राब हो सकता है, या तो फिर इसका बेस का वोल्टेज बढ़ गया रहेगा तो ख़राब होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर निकाल के आप साइड में रख दीजिए। ट्रांजिस्टर नया डालने से पहले यहाँ पर आपको 300 वोल्ट चेक करना है, और यहाँ बेस का वोल्टेज आपको 1 वोल्ट से कम मतलब 0.75 या 0.85 वोल्टेज चेक करना है। वो चेक करने के बाद आप क्या कीजिए, अगर ये 1 वोल्ट से कम है, 1 वोल्ट से कम है तो आप बिंदास नया ट्रांजिस्टर यहाँ पर डाल दीजिए। अगर ये वोल्टेज 1 वोल्ट से ज़्यादा है, 1.5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर आप चेंज करो। ये ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद आपको वोल्टेज सही मिलेगा। ये वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर भी आप चेंज करेंगे तो इसका नंबर इस तरह से आपको 2655 और इसका नंबर आपको मिलेगा 1802। अगर 1802 नहीं लगा है फिर भी आप 1802 डाल दो, ठीक है। उसका कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पर लगा है, अगर 3 टर्मिनल का है, STR नहीं है, STR जो होता है वो 5 टांग का होता है, ट्रांजिस्टर जो है 3 टांग का होता है, ठीक है। अगर ट्रांजिस्टर लगा है तो आप कोई भी ट्रांजिस्टर लगा रहने दो, आप 1802 यहाँ पर डाल दो, ठीक है। कौन से भी कंपनी का किट रहने दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर यहाँ का वोल्टेज 0.85 या 75 हो गया तो आपको क्या करना है, ये ट्रांजिशन नया डालना है, ठीक है। नया डाल दोगे ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद आपका टीवी एक तरह से ओके हो जाएगा, अगर पावर सप्लाई का फॉल्ट है, अगर आपको यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो। दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर आपका यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है फिर भी आपका फ्यूज़ बार बार उड़ रहा है, बार बार जल रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही आपने फ्यूज़ डाला, चालू किया, उड़ गया, समझ तो जल गया, लेकिन आपने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, फिर भी आपका फ्यूज उड़ रहा है, तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी PTC लगी हुई है, ठीक है। PTC यहाँ पर 3 टांग की भी हो सकती है और 2 टांग की भी हो सकती है, तो PTC कुछ 2 टांग की रहेगी, इस तरह से दिखेगी, एक PF के फॉर्म में है, PTC है PF के फॉर्म में, और दूसरा एक काला तरह से, एक काला से ऐसा लगा रहता है, ठीक है, 3 टर्मिनल का रहता है वो, ब्लैक कलर का, तो आपको उसको चेंज कर देना है, ठीक है। उसको चेंज करके और आपको एक नया फ्यूज वापस से डाल देना है, तो आपका टीवी 100% वो फ्यूज नहीं उड़ाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, आपके यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर आपके 300 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपके सेकेंडरी साइड वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिल्टर पे आपका जो वोल्टेज है वो स्थिर मतलब जमा है, ठीक है। आपका वोल्टेज 300 वोल्टेज रुका है, आपने पावर कनेक्टर से निकाल दिया तो भी पावर सप्लाई का जो कनेक्टर जो बोर्ड में लगता है उसको आपने निकाल दिया, उसके बाद भी यहाँ पर आपको 300 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, और वो पावर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसको डिस्चार्ज कीजिए, और उसके बाद आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 रजिस्टर लगाए हुए हैं, ये 2 रजिस्टर देखो यहाँ ध्यान से, 120 के रजिस्टर है, देखो यहाँ पर 2 रजिस्टर, एक रजिस्टर यहाँ से इसके वोल्टेज को सीधा 300 वोल्टेज को सीधा 150 वोल्टेज या 120 वोल्टेज के आसपास यहाँ पर देगा, और ये 120 वोल्टेज को यहाँ से आपको 12 वोल्ट या 15 वोल्ट बना के दे देता है, ठीक है। ये वोल्टेज हमारे सीधा ही जाते, देखो यहाँ पर एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, 1015 करके रहेगा, 1015 ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, और यहाँ पर कभी कभी 764 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं, 1015 की जगह पे आप वहाँ पर 764 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 764 हाई वोल्टेज हर हाई एम्पियर पे काम करने वाला ट्रांजिस्टर है, और ये लो वोल्टेज पे और लो एम्पियर पे काम करने वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इसके बदले आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद सीधा ऑप्टो कपलर है उसको दिया गया है, ठीक है। अभी आपको यहाँ का हो गया पूरा क्लियर, ठीक है, और इसके ऊपर और यहाँ पर और कुछ भी फॉल्ट आते तो आपको यहाँ पर सेक्शन को चेक करना है, इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर थोड़े बहुत जीरो डायोड और 2-3 रजिस्टर लगे हैं, अगर वो भी आपको देख लेना, वो कभी देखना है जब आपके कोई फ्लक्चुएशन का फॉल्ट आता है या कभी कभी वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये सब रजिस्टर यहाँ पर जीरो डायोड भी चेक कर लेने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जीरो डायोड लगे हुए 4148 यहाँ पर सिग्नल को पास करने के लिए। उसके बाद अभी दूसरा कंडीशन क्या बनता है पावर सप्लाई सेक्शन का, क्या होता है
कि आप कभी कभी देखोगे कि आपका जो वोल्टेज है यहाँ का बढ़ के यहाँ पर 115 वोल्ट से बढ़ के वो 150 वोल्ट के आसपास मिलता है सेकेंडरी साइड, जहाँ पर 115 वोल्ट आना चाहिए था वहाँ पर 150 वोल्टेज के आसपास या 150 वोल्टेज के ज़्यादा आते हैं। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ये ट्रांजिस्टर आपको चेंज कर देना है, ये ट्रांजिस्टर आपको चेंज करना सबसे पहला काम, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अपना कंट्रोल जो होता है खो चला जाता है, जो कंट्रोल करने का जो इसका क्षमता होता है तो चला जाता है, इसीलिए वोल्टेज यहाँ का बढ़ के सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं मुझे, तो इसीलिए मैं आपको जो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और बाकी यहाँ पर सब ठीक है, और ज़्यादा तो इसमें और फॉल्ट नहीं आते, इतने ही फॉल्ट इतने पावर सप्लाई में आते हैं TCL के, खास करके TCL की किट में। ठीक है, आपके कपलर बहुत कम ख़राब होते हैं। ठीक, अगर आपको दूसरी बार और सेकेंडरी साइड आपको वोल्टेज समझ लो कि आपको 60 वोल्ट या 70 वोल्ट मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है देखो इस तरह से, और वो दिखता किस तरह से वहाँ पर आता था आपको, इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो इसका वैल्यू 1K या 2K के रहता है, तो आप यहाँ पर वो लगा सकते हो। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये आपका 764 का ट्रांजिस्टर लगाया है, ये आपके दो 120K का रजिस्टर है। ठीक है, ये दोनों 120K के रजिस्टर है। ठीक है, और ये आपका PTC, ये आपका NTC, ये आपका लाइन फिल्टर, और ये आपका ये सेकेंडरी साइड का मेन कैपेसिटर है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी साइड के मेन कैपेसिटर, जहाँ पर 115 वोल्ट 120 वोल्ट के आसपास वोल्टेज होते हैं। इसका जो कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है वो होता है इस तरह से 100 माइक्रो फैरड और 160 वोल्ट, या आप इसके जगह पे 220 माइक्रो फैरड 100 माइक्रो फैरड 220 वोल्ट भी लगा सकते हो ऐसा। ठीक है, इस तरह से आप कौन सा भी यहाँ पर कैपेसिटर लगा सकते हो ये दो में से, और उसके बाद यहाँ पर और कोई फॉल्ट नहीं आते, इतने ही फॉल्ट आते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा पावर सप्लाई का अपना डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चाहिए तो शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।